ये वीडियो देखने के पहले मोर ग्लैमरस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन पर क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, एंड ये बिल्कुल फ्री है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शर्मी एंड मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी कैसे घर पर मेकअप सेटिंग स्प्रे बनाना है। एट फर्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी ये मेकअप सेटिंग स्प्रे होती क्या है एंड कहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मेकअप खत्म होने के बाद पूरी फेस पे स्प्रे करके इसको यूज करते हैं। बट मार्केट में जो मेकअप सेटिंग स्प्रे मिलती है उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे घर पे मेकअप सेटिंग स्प्रे बनाना है अंडर 200 रुपीज। तो लेट्स स्टार्ट। एट फर्स्ट आपको कांच का कटोरी और ग्लास लेना है, उसके अंदर 100 ml पानी लीजिए। ध्यान रखिए कि आपको डिस्टिल्ड वाटर ही लेना है। देन मैं यहाँ पे 1 tablespoon पतंजलि संतरिया एलोवेरा जेल को यूज कर रही हूँ एंड 1 tablespoon नॉर्मल एलोवेरा जेल को इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई एक भी यूज कर सकते हैं और दो भी यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी को सेम रखना चाहिए, जैसे कि 2 tablespoon ऑफ एलोवेरा जेल। देन इस पे 1 tablespoon ऑफ रोज वाटर मिला रही हूँ। अभी आपको उस पे 1/2 tablespoon ऑफ ग्लिसरीन ऐड करना है। देन मैं उस पे 1 विटामिन ई कैप्सूल मिला रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारे चीज को अच्छे से मिला लीजिए। एंड योर मेकअप सेटिंग स्प्रे इज रेडी। इसको एक फ्रेश कंटेनर पे रखिए एंड इसको इजीली 4 to 5 months तक यूज कीजिए। जब भी आपको इसको यूज करना है तब भी एक गुड शेक दीजिए एंड उसके बाद यूज कीजिए। अगर आप आपको आई मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाने चाह रही है, देन ये स्प्रे को आई शेडो ब्रश में थोड़ा सा लगाइए एंड उसके बाद आई शेडो अप्लाई कीजिए एंड पूरी मेकअप होने के बाद फुल फेस में वीडियो की तरह अप्लाई कीजिए। इसको कोई फैन से और आपको हाथों से सिखा लीजिए। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप अभी भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देन स्किन के ऊपर मेरे जो राउंड लोगो आ रही है वैसे आप इजिली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पे शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।